असाइनमेंट कहाँ तक पहुँचा आपका? कुछ हो रहा है असाइनमेंट पे काम? कर लीजिएगा असाइनमेंट को तो कंप्लीट होगी। इन केस अगर किसी को किसी कैलकुलेशन में कोई इश्यूज हो तो फिर वो आपस में डिस्कस कर लें, कोई काम नहीं करें। तो लास्ट टाइम से एक एक बात की थी और वो मैंने मतलब ये कुछ assumptions हैं हमारी और वो assumptions ये थे कि कह रहे कि जो तीन यूनियन वाले फैक्टर हैं ये भी होगी, जिसको हम कहते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर वैक्यूम है और इन सब कहते हैं वैक्यूम सॉल्यूशंस, यानी कोई एक्सटर्नल सोर्स सप्लाई नहीं है। मतलब वो जो मास है उसके ऊपर मास इनर्शिया और मास जो मास है उसके ऊपर कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं कोई की एक्सटर्नल फोर्स नहीं है किसी और मास की वजह से। हाँ किसी और मास की वजह से लेकिन वो ये किसी आइसोलेटेड आप नहीं समझ किसी आइसोलेटेड बॉक्स के अंदर ही मास है। अब इस मास की जो अपनी मैटर है इस मैटर की वजह से इसके अपने मैटर की वजह से जो स्पेस टाइम के अंदर जो है ये हम सेकेंड ये कि ये मास अगर मैं मास रोटेट नहीं करता इस केस का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा कंटिन्यूस है, इसके अगर रोटेट करेगा तो डिस्टेंस में वेरिएशन और ये भी सपोज करें कि इस कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन और ये भी सपोज करें कि इसका जो मास है वो क्या रहेगा। हाँ नहीं एक्चुअली इस तरह के इतने परफेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, मिसाल के तौर पर जो अर्थ का रेडियस है वो तो कॉन्स्टेंट नहीं है, हम तो इसको स्फेरिकल सिमेट्री सपोज करें। हाँ स्मॉल डिफरेंस होगा बिल्कुल, रेडियस है कुछ स्फेरिकल सिमेट्री नहीं, रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये है कि जो रेडियस है ना वो सब जगह सेम है, रेडियस चेंज नहीं होगा। तो रेडियस चेंज नहीं होगा उस वक्त जब इसकी ये स्टैटिक रोटेट रोटेट नहीं करा, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा तो उसमें ये डिस्टेंस नहीं आर वाले डिस्टेंस के अंदर चेंज होगा। तो हम यही कंफ्यूज कर रहे थे कि ये हमारी बेसिक असम्पशन थी व्हाट माय डाउट है। तो अभी हमने दो काम किए, पहला काम ये था कि हमें ना इसके इसका एक मैट्रिक्स सॉल्यूशन लिखना था, तो वो मैट्रिक हम फाइंड करने जा रहे हैं और मैट्रिक का हाफ पार्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वो मैट्रिक कैसी होनी चाहिए, वो जो मैट्रिक्स है जी एस स्क्वायर वाली मैट्रिक्स वो कैसी होनी चाहिए। हाँ जो सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर है हमारे साथ माइनस फिर माइनस डी एक्स आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर
और फिर जब हमने इसको लास्ट टाइम एनालिसिस किया था और मैंने वो 6-7 सफ़े का एक डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया था जिसके पीछे वो बहुत सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व थी, ये पता लग रहा था, ये पता लग रहा था कि यहाँ पर एक्चुअली दो फंक्शन है, आर और टी का फंक्शन होता है, तो चूँकि टाइम का ये फंक्शन है तो सिर्फ आर का फंक्शन यहाँ पर सी से ए ऑफ आर होना चाहिए, इससे बी ऑफ आर होना चाहिए, सी ऑफ आर से बी ऑफ आर होना चाहिए। फिर अगर आप उसके अंदर मेट्रिक देखें, उसकी सिंप्लीफिकेशन बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी तरीक़ों से मैंने उसको लिखा है, तो आप देखेंगे कि हमने उसको मर्ज कर कर जो है वो फाइनली हमारे पास जो है वो ए ऑफ आर और बी ऑफ आर यहाँ पर होगी। वो हम आगे चलकर नहीं करेंगे, एक बात मैं आपको और बताऊं कि यहाँ पर ना वर्ड टाइम बोलना ठीक नहीं है, यहाँ पर हमें वर्ड प्रॉपर टाइम बोलना चाहिए, प्रॉपर टाइम ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो सारे प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम का मतलब है कि टाइम दूसरे से, वो जो टाइम डायलेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो गामा फैक्टर आता है, ये वो हम आप असल में इसको इस तरह अचीव करेंगे, और इस तरह की आप बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये कोई बॉल है आपके पास, बॉल टी इज इक्वल टू जीरो पर डिस्टेंस के ऊपर, और वो बॉल मूव करती है वो टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, हम यहाँ पर प्रॉपर टाइम की बात कर रहे हैं, रिलेटिविस्टिक टाइम की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जिसके अंदर टाइम डायलेशन फैक्टर आता है। दूसरी बात ये कि अगर ये मेट्रिक टाइम इंडिपेंडेंट है, थोड़ा सा उसको थोड़ा विजुलाइज करो क्या होता है, क्या टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक है, स्फेरिकल है और मूव नहीं करता, तो वो उसका जो स्पेस टाइम होगा वो फिक्स होगा, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट मूव करता जाए टाइम के साथ मूवमेंट जो स्पेस टाइम है वो डिफरेंट होगा। आगे चलकर आप देखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट और वो जो स्पेस टाइम डिफरेंट हो रही है उसको मेट्रिक डिफरेंट है, यहाँ पर हम सब प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर ए ऑफ आर और यहाँ बी ऑफ आर का फंक्शन था, ये वो देख रहे ना वो मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया, कोई बहुत मुश्किल काम का चीज़ नहीं थी, और फिर हमने कहा था कि जो डी एस स्क्वायर है ये हमारे पास एक फाइनल मैट्रिक्स बन, यानी यू समझे कि ये हमने हाफ पार्ट अभी इसका फॉर्म किया था, आपको याद है कि इसकी बेसिक बेसिक अजम्पशंस क्या थी, स्पेशल स्पेस टाइम की बेसिक कंसेप्शन क्या थी, हाँ इसकी जो बेसिक कंसेप्शन ये थी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक है, पहली बात, दूसरी बात ये कि नॉन रोटेटिंग यानी वो स्टैटिक पोजीशन है या स्टेशनरी पोजीशन, थर्ड पॉइंट ये था कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह है तो आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर ये फ्लैट टाइम इन गॉसियन स्पेस टाइम, फ्लैट फ्लैट स्पेस टाइम मतलब ये सब कहते हैं एसिम्प्टोटिक फ्लैटनेस है, जब ना हम यहाँ पर हमने कहा कि ये मैट्रिक हमारी इस तरह की चीज होती है, आपको शायद याद होगा कि मैंने जी म्यू में पूरे 16x16 एलिमेंट लिखे थे, उसमें से कुछ एलिमेंट को वो डायगोनल एलिमेंट सारे बचे थे, तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की, तो अब हमें क्या करना है, हमें सब कैलकुलेट करना है ए और बी, और ये ए और बी कैसे होने चाहिए, पहली बात ये कि ये ए जो है वो आर का फंक्शन है ये हम बता चुके हैं, और ये बी भी आर का फंक्शन है, क्या आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये आर जो है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ठीक है आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आप मुझे बताएंगे ए ऑफ आर जिसकी वैल्यू अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू वन होनी चाहिए, इसकी वैल्यू वन होनी चाहिए, और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह लिखता हूँ मुझे बता सकते हो कि ये जो हम कंप्यूट करने वाले हैं कैसा होगा, क्या होना चाहिए, ये जीरो हो जाना चाहिए ताकि ई पावर जीरो समथिंग जो है वो हो जाए, और इसी तरीके से ये जो डी ऑफ आर भी है हमारे पास ये आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर इसे भी वन होना चाहिए, अगर ये वन होता है, अगर ये वन होता है
जानते हैं क्या बताता है, ये आपको बताता है एस एम प्रोटीन की फ्लैटनेस बताता है आपको, प्रॉपर्टी है ना भाई। स्फेरिकल सिमेट्री तो हमें पहले से मालूम है क्योंकि हमने लाइन एलिमेंट लिखा ही स्फेरिकल सिमेट्री, उसको तो प्रूव करने की वैसे जरूरत ही नहीं। दूसरी बात हमने ये आपको बताई कि ये जो फंक्शन है ये रोटेट नहीं करता, मिसाल के तौर पर स्टैटिक है। थर्ड पॉइंट जो सबसे अहम बात है कि वो एस एम प्रोटीन की फ्लैट होना चाहिए, यानी आर प्रोसेस में इंफिनिटी पर जो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो खत्म हो जाएगी, वो स्टेट स्टेट हो जाएगा, उसको इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं ए और बी को, तो हमें देखना है कि हमारे रिजल्ट क्या निकलते हैं, समझ आ रही। उन रिजल्ट में देखते हैं कि ये लिमिट अप्लाई होती भी नहीं, अगर बोले तो अर्थ की रेडियस पर दो चीज़ों की बात हो रही है, तो दो जो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, दो रेडियसेस काम कर रहे हैं यहाँ पर। एक तो वो ऑब्जेक्ट है उसका रेडियस काम कर रहा है, आप सपोज करो कि वो स्मॉल आर है, और एक उसके कर्वेचर की प्रोड्यूस होने की वजह से एक रेडियस बन रहा होगा, मैं उस वाले रेडियस की बात कर रहा हूँ, वो रेडियस इन्फाइनाइट हो जा रही। ये दो तरह की क्योंकि हम डिस्कस करते हैं इसको, ये कौन सी पॉइंट, ये समझ आता है कि इससे वन होना है, इससे वन होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि किस तरह इसको वन किया जा सकता है। ये हमने इसकी पार्शियल डेरिवेशन यहाँ तक तो हमने पढ़ ली, अब जो सारी मैथमेटिक्स है ना, सारी कैलकुलेशन वाला पार्ट है, रिग्रेस किस्म के जो मैं करना था वो ये था कि ए और बी की वैल्यू कम, अगर मैं ए और बी की वैल्यू कंप्यूट कर लूँ, उसको उठाकर यहाँ पुट कर दूँ, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब ये ए और बी की वैल्यूज कैसे निकाली जाएंगी, निकाली जाएंगी आइंस्टाइन की, तो क्या थी आपके पास, वो थी जी यू न्यू इज इक्वल टू जीरो की अपन बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने ना जी डबल जीरो की इक्वेशन निकालनी है, असाइनमेंट में दिया था जी वन वन कम्प्यूट करना है, जी टू टू कम्प्यूट करना है, और जी थ्री थ्री कम्प्यूट करना है, ये अगर असाइनमेंट तुमने काम करना है। प्रॉब्लम ये है कि हमें ए और बी दो अननोन है, तो इट मींस इन चार में से दो इक्वेशन को यूज करके हम ए और बी कम्प्यूट कर सकते हैं। फिर ए और बी निकालने के बाद देखने क्या होता है, फिर देखने क्या क्या प्रॉब्लम। मैं अब थोड़ी देर बाद बताऊं क्योंकि आज इसी को तो डिटेल से एक्सप्लेन करना है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बताने वाला एक चीज़ जिसका नाम है शॉर्ट शेल रेडियस, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम ब्लैक होल्स को स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो मिसाल के तौर पर कोई भी ऑब्जेक्ट का ब्लैक होल्स पर बन सकता है, ये जो इक्वेशन पढ़ते हैं ना इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जब पता है तो मुझे डाइवर्ट कर रही हो सर, बहुत सारी चीज़ें हैं इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बड़ी फेमस इक्वेशन है इसमें इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, पता है क्या बताती है, जब फॉर एग्जाम्पल कोई मास यहाँ पर पुट किया जाए तो पता लग जाएगा कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी में वो कन्वर्ट हो सकता है, इज इक्वल टू एम आपका मास यहाँ रखा जाए सी की वैल्यू पुट कर दी जाए, तो मीन्स कि आपके मास को कितनी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो और क्या क्या मैथड हो सकते हैं इस इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को यूटिलाइज करने के, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, मिसाल के तौर पर जो एटम बॉम्ब जो एटॉमिक एक्सप्लोजन है वो भी ये काम करते हैं, ये कुछ करते हैं। लेकिन आपको पता है कि मुझे लगता है कि ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को ऐसा करें कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी ब्लैक होल में डाल दें तो आपको पता है मैक्सिमम एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस की जा सकती है, क्योंकि जो कि इस तरह की कोई चीज़ बाद
ये ना कोई वाटर फॉल है, वाटर फॉल है ऐसे कर लो, वाटर फॉल है ना, और आप यहाँ पर स्विमिंग कर रहे हो, आप कैसे फिर स्विम कर दो, स्विम कर दो तो आप जितनी जितनी फोर्स लगाना चाहो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा यार, होगा ये, और आप ऐसा होगा कि आप वापस कभी नहीं आ सकते, तो कुछ इसी तरह की बात होती है लैक्टोज के अंदर। वो प्रॉब्लम ये है कि ये इसकी एक लिमिट है ना, लिमिट है, इस लिमिट का एक रेडियस होगा, हम कहते हैं शॉर्ट स्टैंड रेडियस, तो हम कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल में नहीं किया सकता, कि अगर उस ऑब्जेक्ट को इतना स्क्वीज कर दिया जाए कि वो उसके शॉर्ट स्टैंड रेडियस से कम हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल नहीं होता है। बड़े बड़े स्टार्स हैं, जाइंट स्टार्स हैं, वो क्या कैसे होते हैं, जाइंट स्टार के अंदर आपको पता ना स्टार्स के अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, एक्चुअली एटम बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहे हैं, तो ये होता है सन के अंदर बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, और इसकी अपनी ग्रेविटेशन फील्ड है, ऑब्वियसली ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, अर्थ की ग्रेविटी 27 टाइम ज़्यादा है, ये ना अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, उसका मास नहीं, उसकी जो डेंसिटी वो इंक्रीज होगी, वॉल्यूम कम होता जाएगा, ऐसे ही होगा भाई। यहाँ पर जितनी अभी तो बर्न हो रहा है, ऑब्वियसली रेडिएशन हमें दिख रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इसमें बर्निंग नहीं होगी तो क्या होगा, उसका जो कोर है वो इसकी जो आउटसाइड का मटीरियल है वो उसको अपने अंदर अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, और वो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और होगा क्या, एक बहुत बड़ा सा सन एक छोटी सी डेंसिटी बन जाती है, तो सिंगुलैरिटी भी बन जाएगी। एक्चुअली सन का ना एक शॉर्ट स्टैंड रेडियस है, हम कंप्यूट कर सकते हैं, तो होगा क्या सन के साथ, क्या होगा कि वो सन के साथ ये होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता 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 उसकी शॉर्ट स्टैंड रेडियस से काम करेगा, सन तो ब्लैक होल बन जाएगा। तो यही सारी चीज़ें, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आप बता सकते हैं कि उसका शॉर्ट स्टैंड रेडियस, यानी शॉर्ट स्टैंड रेडियस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी अभी निकालेंगे, अभी अभी थोड़ा सा, हाँ मैं तुम्हें इस आर वाले कन्फ्यूजन को भी क्लियर करता हूँ कि कौन सा आर है, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा हूँ कि जब भी हम ब्लैक होल्स को स्टडी करते हैं ना, तो उसमें एक चीज़ तुम जरूर सुनोगे, उसे हम कहते हैं शॉर्ट स्टैंड रेडियस। वो शॉर्ट स्टैंड रेडियस को एक बेसिकली एक एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, वो फार्मूला होता है आर ऑफ एस इज इक्वल टू टू जी एम बाई सी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका शॉर्ट स्टैंड रेडियस उतना ज़्यादा होगा, ये शॉर्ट स्टैंड रेडियस कहलाता है ना, यानी आपका मास रख दिया है यहाँ पर, जी की वैल्यू पुट कर दी है, सी की वैल्यू पुट कर दी है, तो एक आंसर निकल आएगा, वो आंसर पता है क्या बताएगा आपको, वो आंसर आपको बताएगा आपका शॉर्ट स्टैंड रेडियस, यानी आपके मास को इतना स्क्वीज कर दें कि आप जो है वो उस शॉर्ट स्टैंड रेडियस से कम हो जाता है, आपका जो बड़े बड़े स्टार्स के साथ जो यही होता है, उसको कैलकुलेशन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल यानी शॉर्ट स्टैंड रेडियस किसी भी ऑब्जेक्ट का निकाला जा सकता है, मास है फॉर एग्जाम्पल, आपका मास यहाँ पर पुट करें तो आपका एक शॉर्ट स्टैंड रेडियस फाइंड आउट किया जा सकता है। वो मुझे अभी अब मैं कंप्लीट करवाऊंगा तो मैं शायद बातें और अच्छी क्लियर होंगी। अब बाकी सारी चीज़ें तो कॉन्स्टेंट वैल्यूज पुट कर लो, एक आंसर निकलेगा आपका, फिलहाल के तौर पर ये आपका एक रेडियस की रेंज। तो अगर अर्थ के मास को या जमीन या आपके मास को इतना यूज करते हैं कि वो उसके शॉर्ट स्टैंड रेडियस से कम हो जाए, तो वो ऑब्जेक्ट बेसिकली एक टिपिंग पॉइंट हो जाता है, अब मिसाल के तौर पर एक कैट उसका कोई कोई मास मास होगा ना, तो जब तुम उसे कंप्यूट करोगे तो तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल कराची को चलाने के लिए फॉर एग्जांपल 1000 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ कैट्स फाइंड आउट कर सकते हो कि कितनी कैट यहाँ पर प्रोड्यूस की जाए कि हम उसकी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते, है ना। इस तरह मैं आपसे कहता हूँ कि अगर इसी ऑब्जेक्ट है इस कैट का भी एक शॉर्ट स्टैंड रेडियस होगा, यानी ये चीज़ों को ना ब्लैक होल्स को प्रोड्यूस करने के दो तरीके होते हैं, यानी या तो मास को इतना स्क्यूज कर दिया है कि वो अपने शॉर्ट स्टैंड रेडियस से कम हो जाए तो वो ब्लैक होल्स बन सकता है, या दूसरा होता है कि उसके अंदर मास इतना ज़्यादा कलेक्ट कर लिया जाए वो बड़ा होगा ना, एक चीज़ बड़ी हुई जैसे कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार, सुपरनोवा और रेड जाइंट, यानी स्टार्स की ना दो तरह की किस्में होती है, कुछ स्टार्स जो हैं वो ब्लैक होल बन उनकी डेथ होती है और कुछ न्यूट्रॉन स्टार बन जाएंगे, न्यूट्रॉन स्टार का मतलब वो बहुत बड़े हो जाएंगे हो जाएंगे
और फिर उसमें एक पॉइंट बचेगा नॉन स्टार्ट फिर उसमें सिंगुलर पॉइंट होता है एक्चुअली वो बैक हो जाता है। और उसके लिए एक लिमिट होती है जिसे कहते हैं चंद्र शिखर लिमिट। ये चंद्र शिखर लिमिट ये बताती है कि हर वो ऑब्जेक्ट हर वो सेलेशियल ऑब्जेक्ट जिसकी लिमिट 1.3 सन से ज़्यादा होगी 1.3 सन से ज़्यादा 1.3 सन समझिए तो हर वो सेलेशियल ऑब्जेक्ट जिसका आंसर 1.3 सन से ज़्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेड जाइंट बनेगा वो बहुत बड़ा होगा वो न्यूट्रॉन स्टार हो जाएगा। और जिसका आंसर 1.3 सन से कम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लैक होल बन जाएगा। एक्चुअली ये हाँ वो उसमें उसमें उस तरह का फॉर्मूला होगा कि वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा और वो भी थोड़ा सा बॉक्स बन जाएगा एंड देन ब्लैक होल। तो जैसे ही हम ब्लैक होल्स की थ्योरी पढ़ते हैं ना तो फॉरन ही शॉर्ट से रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट तो अभी हम यही कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये बताएंगे आपको क्या हो रहा है इसके अंदर। और जो पहला ब्लैक होल्स है वो यही स्टडी होता है कि शॉर्ट स्टाइल ब्लैक होल्स क्या होते हैं और उसके लिए हम इजी सारी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ता है। ये किस सारी चीज़ें हैं बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये इसमें कुछ ऐसा नहीं भाई ये जो ये तो इस तरह के छोटी छोटी पॉइंट हमने पहले भी सीखे ना कि सपोज जो फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं वो क्या होता है ये दो चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं दो चीज़ें कंबाइन होती हैं और एक थर्ड पार्टिकल यहाँ पर बनता है यहाँ से ब्लैक होल बन सकते हैं कुछ चीज़ों को कंबाइन करने से ब्लैक होल बनते हैं कुछ चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लैक होल बनते हैं। ब्लैक होल बनाने के दो तरीके होते हैं या तो उसके बहुत ज़्यादा मास को कर दिया जाए और वो मास जो है वो उसके जो रेडियस है उससे भी बड़ा हो जाए तो वो और दूसरा ऑप्शन होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर उसको कॉन्ट्रैक्ट कर। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपना और आपका भी शॉर्ट शॉर्ट वो होगा कैसा जीरो मल्टीप्लाई बाय 10^-27 समथिंग कितना होगा लेकिन अर्थ और सन का हम जरूर निकाल सकते हैं तो उससे फायदा क्या होगा अगर मैं अर्थ और सन का शॉर्ट से रेडियस निकाल लूँ तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना समझ आ जाएगा मुझे पता लग जाए कि फॉर एग्जांपल ये सन है और सन का एक इवेंट होराइजन है तो यानी इसका एक शॉर्ट से रेडियस है तो ये जो लाइट जो है वो बेंड होती है हमें समझ में आ जाएगी ना लाइट बेंड की होती है तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं बताता हूँ आगे चलकर अभी थोड़ी सी पॉइंट ये सीखो कि ये हमने डिस्कस किया था लास्ट में और ये हमने कैसे बनाया था वो कुछ बेसिक एग्जाम्पल थी जिनके थ्रू हमने इसको फॉर्म किया था। आज का हमारा टास्क ये है कि हम जरा ये देखें कि ए और बी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। क्या ये बता सकते हैं मैंने टू क्यों लिखा है यहाँ पर टू लिखने का कोई खास पर्पज़ नहीं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए क्योंकि जब तुम कैलकुलेशन करोगे ना तो वहाँ पर बार बार डेरिवेटिव लेते वक्त वन अपॉन टू बनेगा तो ये टू से टू कैंसिल हो जाया करेगा जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो इसलिए टू लिख लिया। दूसरी बात ये हमें ये देखना है कि इस पूरे का आंसर आर अप्रोचेस टू इंफिनिटी के लिए क्या 1 के इक्वल होता है ये आना चाहिए अगर ये आता है तो इट मींस कि हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो भाई देखो यार यहाँ तक ना मैंने असाइनमेंट करना था मैंने तुम्हारे साथ व्हाट्सएप पर शेयर भी किया था वो कैलकुलेशन कौन कौन से कैलकुलेशन या कुछ कैलकुलेट किया था G00 G11 G अब किसी फिर क्या निकाला था क्रिस्टोफर सैंपल से का फिर क्या निकाला था फिर रिमांड टेंसर निकाला था फिर रिची टेंसर फिर स्केलर कर्वेचर निकाला था और फिर उसके बाद आइंस्टाइन टेंसर निकाला था। ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट की थी 17-18 पेजेस मेरे पास तो पता नहीं बहुत ज़्यादा पेजेस के अंदर और अगर फिर भी किसी को नहीं कैलकुलेशन है तो फोटो कॉपी ले लो समझ लो अलग सपोर्ट क्योंकि ये कैसे हो सकता है पॉसिबल जो मैंने कैलकुलेट किया ना ये कोई मुझे दिखा सकता है कि जी बी का फार्मूला क्या होता है कॉल भी हो जाएगा क्या होता है और जब मैंने ये G00 कंप्यूट किया ना G00 का मेरे पास आंसर बन रहा था -2 e^(a-b)/r(b)-+ ये बहुत ही सिस्टमेटिकली मैंने अरेंज करके लिख दिया इसको आर स्क्वायर और इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है बहुत आसान कैलकुलेशन है सिर्फ फार्मूला से उनके ऊपर G00 का आंसर ये निकला था और इसी तरीके से जो सब मैं लिख रहा हूँ जो मुझे ज़रूरत है सिर्फ उनको लिखा G11 दो यूज़ कर लेते हैं G11 मेरे पास आ रहा था क्या आ रहा था -2 a-डैश हमें दो अननोन है तो दो इक्वेशन और चूंकि हम वैक्यूम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड पर ये सब जीरो के इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जीरो होगी और ये
हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है ए और बी। इन इक्वेशंस की हालत देखकर ये जरूर ये मत करना जो तुम्हारी अपनी मैथमेटिक्स है कि भाई इक्वेशन से एक वेरिएबल निकाला उसको किसने पुट किया, कर सकते हो तो थोड़ी सी ई टू बी की फॉर्म में हाँ कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाए, कोई नए रिजल्ट निकल आए, मतलब चीज़ें कंप्लीट करना ईजी हो जाए। थोड़ा सा लिखिए उस चीज़ें के इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पावर माइनस सी से और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पावर माइनस। तो अगर इस इक्वेशन को इससे उससे मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन हमारी चीज़ है। और ये जो आप सोच रहे हैं ना जैसे साइमल्टेनियसली सोल्यूशन है और कुछ नहीं है इसके अलावा, तो आप ज़रा मुझे बताइए कि आप मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। टू ई रेज़ टू पावर ये आपके पास रहेगी, ये इधर इधर भी टू लिखा हुआ है क्योंकि इधर भी टू लिखा हुआ है। हाँ जी कैसे लिखोगे? इधर जाएगा ई पावर माइनस टू बी और ई पावर माइनस ये हाँ ये यहाँ पर रखा है इंडिया ई पावर माइनस ये आ जाएगा आर और जी डैश वाला पार्ट है तो ये क्या हो जाएगा ई रेस टू पावर टू ए और पावर माइनस थ्री और ई रेस टू पावर माइनस ऑब्जेक्टिव ये है कि एक किसी मैंने काम यही किया कि देखो अभी एक चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी एक निकले कि दूसरे का आंसर आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और ऐड भी करना है। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा लिखेंगे से आप लिखेंगे माइनस के साथ पहले से मौजूद है माइनस टू ई रेज टू पावर माइनस टू बी अपॉन आर एन ई रेज। तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा प्लस is to power minus 2b dot e is to power 2b over r square. तो हम इसको इसके साथ सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा e is to power 2b over r square. आपने इन इक्वेशंस को इन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इससे फायदा क्या होगा? अब इससे फायदा ये हो गया कि कुछ कैंसिलेशन यहाँ पर हो रही है, देखो हम परफॉर्म करते हैं और ये टर्म कैंसिल हो गई यहाँ पर और यहाँ पर ऐड कर दिया है वापस दोनों इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मैंने ऐड कर दिया दोनों काम साथ कर दिया इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और ऐड भी करना है उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा फिर ऐड भी कर दिया फिर उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा और ऐड जब ऐड करें तो देखिए जीरो आई एडिशन के साथ शॉर्ट कर दी तो उससे कम टाइम में मतलब मदद हो पावर माइनस टू बी डिवाइडेड बाय आर कैलकुलेशन को अपनी कॉपी में ना जरा इस बड़े स्पेस में क्या करो तो एरर कम से कम होगा। हाँ जी इसके साथ आ जाएगा बी डैश नेक्स्ट टाइम बताओ क्या होगी इधर प्लस ई पावर माइनस टू ओवर आर स्क्वायर थर्ड टर्म माइनस वन ओवर आर स्क्वायर फोर्थ टर्म माइनस टू टू बी डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय आर होगा रीअरेंज भी कर दिया देखो माइनस
अब बताओ क्या हुआ इसमें, मजीद कुछ हो रहा है? अब जरा बताइए कि इसमें से पावर ये निकल रहा है, अगर माइनस पावर माइनस टू अपॉन आर को कॉमन ले लें तो ये रिजल्ट होगा ए डैश प्लस बी डैश। अब ये दो फैक्टर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि ये वाला फैक्टर तो नॉन जीरो है, तो इस वाले फैक्टर को जीरो के इक्वल कर सकते हैं। कह रहे हैं कि ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू टू और माइनस टू की पावर माइनस टू बी डिवाइडेड बाय आर जो है। तो अब आप बताएंगे कि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा आपके पास? इंटीग्रेट करेंगे जब आप ऑब्वियसली ये डेरिवेटिव रिमूव हो जाएगा, और जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्चुअली ए ऑफ आर प्लस बी ऑफ आर और ए कॉन्स्टेंट लग जाएगा यहाँ पर, डेरिवेटिव है ना, आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन। हम फिलहाल इस कॉन्स्टेंट को जीरो मान सपोज करें कि फाइनली हम एक कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट यूज़ कर ही रहे होते हैं तो हमें इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप मुझे बताएंगे कि ए की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस। एक्चुअली ए और बी जो है वो माइनस था, ए की वैल्यू तो बन गई माइनस। बस क्या करें, क्या करें फ्रेंड, ए और बी तो मिल गया हमें इक्वल है, तो उसको जी लगू जीरो में डाल दीजिए वाले पार्ट में, उसको ध्यान कर दीजिए तो आपको ए का एक वैल्यू मिल जाए। वो नॉन जीरो ही रहेगा उसमें, हम तो ए और बी से काम सी, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट आता है। फिलहाल यहाँ पर ये कांस्टेंट जीरो है क्योंकि हम पूरी इक्वेशन में एक जनरल कांस्टेंट यूज कर लेते हैं जो सेम पर्पस के लिए। तो आप कहते हैं कि ए इज इक्वल टू माइनस बी, तो ज़रा उठाकर यहाँ डाल दीजिए इस वाली इक्वेशन में, फिर इसके साथ ओरिजिनल इक्वेशन, तो जब आप उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं नाउ सब्स्टिट्यूट ए इज इक्वल टू माइनस बी तो अब आप जरा लिखवाइए कि ये जो डबल जीरो वाला पार्ट है ये क्या बन जाएगा, माइनस टू इंटू टू पावर टू ये है, हाँ जी क्या लिखें इसको, ए माइनस बी है, हम इसको कर लेते हैं ए फॉर एग्जाम्पल माइनस और बी इसके ए पर होगा, या चले यू कर लेंगे ए माइनस बी लिखा था यू कर लेते हैं, चले माइनस बी एंड माइनस बी ऐसे ए इज इक्वल टू माइनस बी वेरीफाई टू माइनस माइनस टू बी और ये बी डैश हो, ये बताइए क्या होगा प्लस, कैसे लिखेंगे इसे लिखिए अभी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अगेन माइनस बी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास टू टाइम्स ऑफ माइनस टू सर वो अपॉन आर अपॉन आर स्क्वायर, हाँ और यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर भी आएगा आर आर आएगा, तो यहाँ पर आर आएगा और यहाँ पर आपके पास आर स्क्वायर और ये वाले का मतलब ये क्या होगी माइनस बी, हाँ ये बन जाएगी ई रेस्ट पावर माइनस टू डी ओवर आर स्क्वायर। बस अब आप देखिए इस साइमल्टेनियसली जिस तरह सॉल्व करते हैं उसको काम करें, इसके बाद जो है मुझे फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म बताइए, मुझे हम खुद कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे लिखें इसको, कॉमन चाहे तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट कर दो आर स्क्वायर एलसीएम लेकर हमने राइट हैंड साइड पर इसको शिफ्ट करवा दिया और यहाँ पर सिर्फ एक आर लगा दीजिएगा बाकी टर्म्स पर चले सकते हैं। तो आप बताइए ये वाले टर्म कैसे लिखेंगे आप, माइनस आर ई रेज़ टू पावर माइनस फोर बी सॉरी टर्म के लिए बताइए क्या होगा, इज लाइक ई रेज़ टू पावर माइनस फोर और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टू बी, कुछ कॉमन निकल रहा है इसमें से, पावर माइनस टू बी को कॉमन निकल, जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है वहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है, माइनस टू आर ई रेज़ टू पावर माइनस टू बी एंड बी डैश। नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी आपके पास, नेक्स्ट टर्म ये क्या हो जाएगी ई रेज़ टू पावर माइनस टू और ये टर्म हो जाएगा माइनस वन।
वाले टर्म का तो काम था, लेकिन जरा इस वाले टर्म पर गौर कीजिए। ये काम लिखी गया ना, ये जो काम लिखी गया, ये बेसिकली एक फार्मूला है आपके प्रोडक्ट होता है फार्मूला। और ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, अगर आप बी अपॉन बी आर के जो फंक्शन है वो आर डॉट आर वन माइनस बी पावर माइनस टू बी करके लिखते हैं और डेरिवेटिव ले इस तरह से वापस एक्सपेक्ट करेंगे प्रोडक्ट रूल से वापस ये आपके पास प्रोडक्ट रूल। क्या कर सकते हैं आप वेरी सिंपल कर लेते हैं और ये डेरिवेटिव जो यहां से रिमूव करेंगे हम कहते हैं कि ये r और माइनस e पावर 2 और ये cos माइनस है cos ऑफ इंटीग्रेशन कैपिटल r का से इंटीग्रेशन cos इंटीग्रेशन cos और r का स्क्वायर बराबर है। अब आप मुझे जरा दिखा दीजिए कि 1 माइनस e पावर माइनस माइनस 2 की माइनस बराबर है माइनस 2 की जो है वो इक्वल हो जाएगा आर एस अपॉन आर के और ई पावर माइनस टू की जो है वो इक्वल हो जाएगा वन माइनस आर एस अपॉन आर। ये तो आपके पास आ गया ई पावर ई पावर माइनस टू की। आप मुझे ये बताइए कि ई पावर टू भी क्या होगा, हमें आशा क्या होगा ई पावर टू में डिवाइड में जो वन माइनस क्या आप मुझे बता सकते हैं कि e पावर 2a क्या होगा? माइनस सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क होगा, ये जो है वो एक्चुअली माइनस b के इक्वल है तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपका माइनस वन जो रिजल्ट है वो इक्वल हो जाएगा वन माइनस के न्यूमरेटर में चला जाएगा r s अपॉन r। समझ गए कैसे ये a और b माइनस साइन इक्वल वापस हो जाएगा। ये जो आर एस है ये जो आर एस है ये कहलाता है शॉर्ट स्ट्रैटेजी और ये जो स्मॉल आर है ये स्मॉल आर ये किसी ऑब्जेक्ट का रेडियस है, इसको जो मास डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ेगी ऑब्जेक्ट रेडियस। वैसे भी अगर मैं तुमसे किसी मैथमेटिक्स तुमने पढ़ ली अगर मैं वैसे ही तुमसे पूछना चाहूँगी मैंने थोड़ी देर पहले एक फार्मूला लिखा था पॉइंट समझाया आर एस का फॉर एग्जाम्पल टू जी एम बाई सी स्क्वायर का भी लिखा था कैसे लिखा था ये तो अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या पता लगता है कि ये जो शॉर्ट स्ट्रेट रेडियस है ना वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अच्छा इसमें ये पता है जो स्फीयर का वॉल्यूम पता है अभी मैं बात लिखा है आगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है फोर अपॉन बाई आर क्यूब होता है ना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो डेंसिटी जो कि मास पर यूनिट वॉल्यूम है सपोज डेंसिटी जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम राइट तो मास इसका मतलब ये है कि मास का एक और फार्मूला क्या हो सकता है, मास का एक और फार्मूला डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। इसके जो एक चीज नहीं चीज समझ आ रही मास क्या होगा डेंसिटी आपने ऐसे लिखी वॉल्यूम की जगह पर आप लिख सकते हैं क्या फोर बाई थ्री बाई आर क्यूब और सपोज कि अगर मैं यहाँ से आर निकालू आर कंप्यूट करूँ आर क्या बनेगा m अपॉन 4 y ये होगा ना ये बना क्यूब रूट और ये आ जाएगा r। ये पॉइंट तो कोई समझ आ रहा है एक वैसे ही मुझे चलना से बात कर रहा हूँ
बता रहे थे क्या है, ये ना शॉर्ट शेल रेडियस आगे चल कर सकता है, ये जो शॉर्ट शेल रेडियस है ना ये इस ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता जाएगा ना उसका शॉर्ट शेल रेडियस उतना बड़ा होता जाएगा, और ये जो आर है ना वो उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल रेडियस है। अब जानते हैं ये ना उसके मास के क्यूब रूट हो गया, उसके मास के क्यूब रूट, यानी अगर मैं ग्राफ करना चाहूंगा इसी, तो मैं एक ग्राफ लिए आईडिया देना चाहूंगा, सपोज करो कि ये बहुत छोटा सा मास है और सपोज करो कि ये बहुत बड़ा सा मास है, तो आप जानते हैं कि जो शॉर्ट शेल रेडियस है वो कैसे चल रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा, और जबकि अगर ये ऑब्जेक्ट और ये इसका जो एक्चुअल रेडियस है वो कैसे मूव कर रहा होगा, ऐसे क्यूब रूट कर रहा होगा। उसका मतलब है कि जो एक्चुअल रेडियस है और जो शॉर्ट शेल रेडियस है इनका आपस का रिलेशन इस तरह का हो सकता है, ये टेक्निकली मैथमेटिक्स की फार्मूला में समझ में आता है, यार ऐसा हो सकता है, यार मैथ की ये ब्यूटी है, हर फार्मूला दूसरे से कनेक्ट होगा, कोई ना कोई रिजल्ट आपको बता सकते हैं, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका उतना बड़ा शॉर्ट शेल, हम ये गलबर्ट का भी देख सकते हैं, अर्थ का कम होना चाहिए, अर्थ का एक्चुअली 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, और जो है वो सन का बहुत ज़्यादा होता है बड़ा ऑब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आप अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, मिसाल के तौर पर असल में जो जैसे हम ब्लैक होल्स पढ़ते हैं ना उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि स्टार्स की डेथ कैसे होती है, स्टार्स की डेथ होती है, डेथ ऑफ स्टार्स पढ़ते हैं, यानी वो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से समझ में आता है, ऑब्वियस है कि मैं अगर कह रहा हूँ कि मैं अपने मास को इतना छोटा कर दूँ जो शॉर्ट किया, ऑब्वियस पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कर सकें आप जो कर सकें तो इस तरह, लेकिन ये स्टार्स के अंदर फिर ठीक है ना, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसकी यूज कर सकें उसको कर सकें तो जो कुछ बनेगा वो बैकवर्ड बनेगा, लेकिन ये चीज़ें यार ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका बहुत थोड़ा सा मार्जिन होता होगा, तो हम कह सकते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि बैकवर्ड यार इंटरनेट पर जाओ ना देखो, अब तो कुछ ऐसी टेलीस्कोप्स आ गई हैं जो पहले ब्लैक होल्स हैं, ब्लैक होल्स की इमेज होराइजन को ऑब्जर्व कर सकती है, प्रैक्टिस का नाम भी पता नहीं, इमेज होराइजन ईपीएस पर जैसे इस तरह का कोई टेलीस्कोप जो और इंटरनेट के ऊपर डायरेक्ट वो उसकी इमेजेस एक्सेस कर सकती है, आप देख सकते हैं बहुत सारी थ्योरीज हैं, मिसाल के तौर पर आपका सन किसी दिन एलिमिनेट हो जाए, वैसे मैं सन को हमेशा गायब करता हूँ और उसकी जगह ब्लैक होल आ जाएगी। अच्छा ब्लैक होल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है जब मैं पढ़ाऊँगा ब्लैक होल का नेक्स्ट टॉपिक, वो एक होता है रोटेटिंग ब्लैक होल, एक होता है नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल, जो नॉन रोटेटिंग होता होगा वो तो फिर रीजनेबल है ना, उसमें फिर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट अगर मूव करे तो उसकी स्पीड, लेकिन जो उसके अंदर भी एक रोटेशन परफॉर्म हो रही होगी वो उस सोचो कि वो किसी ऑब्जेक्ट की कितनी तेज स्पीड होगी उसमें, और समझो ग्रेविटी इंक्रीज हो जाती है ना, टाइम रुक जाता है, ग्रेविटी इंक्रीज हो जाती है, आप यूनी डायरेक्शनल हो जाते हैं, आप यानी ऑब्वियस है कि उस ऑब्जर्वर के लिए जो आउटसाइड दी ब्लैक होल है वो कर सकता है, लेकिन लेकिन सारी चीज़ें मैथमेटिकली जो है ये ऐसा हो सकता है, तो जो इंटरस्टेलर है वो भी कुछ इसी तरह की है ना, तो ये सारी बातें बताई हुई आपको, तो ये जो इवेंट होराइजन है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो लेकिन एक ऐसी जनरल सी मैथमेटिक्स जो हमने प्राइमरी क्लासेज में पढ़ी उसमें एक बात तो हमें समझ आती है, ये जो रेडियस और इसकी मास का जो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूटेड मास का जो रिलेशन है वो क्यूब रूट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट का मास जो है इंक्रीज कर दिया है उसका रेडियस एक्सपोनेंशियल यानी क्यूब रूट, लेकिन क्यूब रूट है ना, और ये वाला जो फार्मूला है ना ये जो मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले जो ड्राइव करते हैं अभी, वो फार्मूला ये बताता है कि ऑब्जेक्ट का मास और उसका शॉर्ट शेल रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा शॉर्ट शेल निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो क्या यहाँ तक बात समझ आ गई ये, और तो यहाँ तक तो हमने तो इसका मतलब ये है कि वो जो मीट्रिक है वो ऑलमोस्ट हमने डिस्कवर कर ली है, वो मीट्रिक है, अब हमने सिर्फ ये देखना है कि यार वो लिमिट्स पर जाती है नहीं जाती, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मुझे और बतानी होगी और वो जरा गौर से देख सकता हूँ, क्या ये पॉइंट समझ गया, ई टू ए और ई सी की कैलकुलेशन समझ आ गई, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। दो तीन लोग तो प्रेजेंट है, हमने कहा था न्यूटोनियन लिमिट, ई
मीन्स ये कि ये जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले को अभी भी एक्सप्लोर करके लिखा जा सकता है, अभी वेरी की जा सकती है। कैसे? आपको अगर याद हो एक चीज़ हमने वही पूछा, नाम था न्यूटोनियन लिमिट्स, क्या बता सकते हैं कहाँ वो लिमिट है? जब आइंस्टाइन फील इक्वेशन को हम डिराइव कर रहे थे ना, तो उसमें जो पहला रिजल्ट था वो निकला था डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 4 पाई टी लॉग ऑफ एन, रादर पॉइजन इक्वेशन, ये कंसिस्टेंसी। दूसरा रिजल्ट हमने निकाला था, वो रिजल्ट निकाला था कि जो जी जो फोर्स होता है फोर्स, वो एक्चुअली क्रिस्टोफर सिंबल के इक्वल होती है। थर्ड हमने बात की थी वो ये की थी कि जो फोर्स है वो एक्चुअली पोटेंशियल फंक्शन के हिसाब से लिखा जा सकता है, डेल फाई बाई डेल एक्स होता है। हमने फाई डिटरमिन करना था और उस फाई के लिए हमने कोई याद क्या थी, न्यूटन कुछ भी नहीं है। न्यूटन लिमिट दो चीज़ की बात करती है, एक तो ये कि आपकी स्पीड स्लो हो जाए, अगर आप स्पीड स्लो है किसी ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड स्लो है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लैट, यानी उसका जो स्पेस टाइम बन रहा होगा वो फ्लैट नहीं था, उसके लिए स्पेस टाइम में चेंज हो जाता है, और स्लो स्पीड हो जाए, और ये ग्रेविटेशन हो जाए। इस पर हमने ना कुछ बात की थी, हमने कहा था कि ये जो एक्चुअली मैं सारा कुछ फिर से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ, और बहुत डिटेल में मैंने इसमें आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन पर 4 क्लासें लगाई हैं। मैंने कहा था कि ये जो जी म्यू नहीं होता एक्चुअली, ये अप्रॉक्सीमेटली थीटा म्यू के इक्वल होता है, और इसके अंदर एक स्केल फैक्टर हम सी ये यूज़ करते हैं, और हमने कहा था कि ये फैक्टर हमसे बहुत बहुत छोटा होता है। फिर हमने इसकी सारी कैलकुलेशन परफॉर्म की थी और हमने एक रिजल्ट निकाला था, वो रिजल्ट ये निकाला था हमने कि जो हमारे पास जो फाई निकलता है वो फाई एक्चुअली 1/2 जी 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 डबल जीरो के बोला, तो हम देख रहे हैं कि ये निकाला था हमने, एक्चुअली ये ऐसे नहीं निकलता, ये ऐसे निकलता है एच म्यू डी एच म्यू, फिर हमने उसको चेंज कर लिया। तो बात ये समझ आती है कि जो एच म्यू यू है ना, ये कह रहा थी न्यूटन लिमिट, अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो घर जाकर देखोगे जरूर। अब ये कहते हैं और ये क्यों यूज़ करें हम एसिम्प्टोटिकली फ्लैटनेस की जब हम बात कर रहे हैं तो आप सबको यूज़ कर सकते हैं। तो जो एच म्यू यू है ना, इसका जानते हो क्या फार्मूला बन गया, 2 फाई बाई 2 फाई, लेकिन ना मैं यहाँ पर सी स्क्वायर डाल रहा हूँ, वो मैं सी स्क्वायर क्योंकि मैं तो सारी चीज़ों को जानता हूँ, तो मुझे पता है ना कि आखिर में ना इक्वेशन डायमेंशनली इक्वल नहीं होने वाली, तो मैंने इसके लिए यहाँ पर सी स्क्वायर यूज़ कर ली कि इससे डायमेंशनली इक्वल हो जाए, आप उसको ना इस तरह रख सकते हैं ये एच म्यू। अच्छा फाई जानते हो क्या चीज़ है, फाई है पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या तुमने कभी फिजिक्स में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक फार्मूला पढ़ा था? हाँ गुड, फार्मूला होता है माइनस जी एम बाई आर, ये होता है फार्मूला, कहते हैं इसे कहते हैं ग्रेविटी, नहीं पढ़ा ये नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा यार, ये वो एफ डॉट डी ए से तो निकलता है, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ऐसी बातें ना क्या करूँगी, ये कहते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो ये वाला फार्मूला हमने ये वाला फार्मूला हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर ना, यही होता है। अच्छा इसको ना ये जो जो जी म्यू यू लिखा हुआ है ना आपने, जिसे आप जी जीरो जीरो लिखे हैं, एच कॉन्सेप्ट तो एक्चुअली ये है, एच की जगह पर तो आप इसे 2 फाई बाई सी स्क्वायर लिख लीजिए कोई तरह से। अच्छा इसके साथ ना ये वाला ना नॉर्मली फ्लैट वाली की हम बात कर रहे हैं ना, इसके साथ ऐसे करना प्लस वन लगा, तो ज़रा गौर कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ ये जो जी डबल जीरो है ना, जी डबल जीरो हाँ, अगर ये सी स्क्वायर लगाने का पर्पज ये नहीं, ऊपर ऊपर हाँ ठीक है, लेकिन जब जहाँ जिस इक्वेशन के अंदर सी इंट्रोड्यूस हो जाना है, तो आप समझ जाइएगा कि जो फाइनल फॉर्म आपके पास मैट्रिक्स की ना, एक फाइनल फॉर्म बनेगी जो आप लिखेंगे ना, उस फाइनल फॉर्म ये सी स्क्वायर रिमूव कर दें। मैंने तो खैर चुके ये किया हुआ, आपको आप लोगों के लिए चीज़ एलिमिनेट करो, मैंने तो उसको पूरा डायमेंशनली चेक करा हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, सी डालना पड़ेगा उसके अंदर, यानी सी की यूनिट मीटर। नहीं नहीं वो हाँ वो एक्चुअली नहीं हो रही है, जब हम उसको फाइनली जो रीअरेंज करें ना, जैसे तुमने देखा होगा कि मैंने आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन में कहीं पर सी फोर का जिक्र नहीं था, आप उसको सी फोर ना लगाइए और आप उसको कंप्यूट कीजिए, लेफ्ट और राइट के यूनिट निकालिए वो बराबर नहीं है, उसमें एक अदर सी फोर डाल दीजिए फिर लेफ्ट राइट के यूनिट निकाले वो बराबर आ जाएंगे, तो हमने वो आखिर में आकर सी फोर उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर हम यहीं से करें क्योंकि हमें पता है कि आगे ही होने वाला है, याद रखो इस पूरी कैलकुलेशन में जहाँ कहीं सी इंट्रोड्यूस किया गया है उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि हम उसको डायमेंशनली बैलेंस कर रहे हैं। तो क्या ये वाला पॉइंट समझ आता है? ठीक है, अब जरा गौर से चीज़ नोट करते जाना, ये जी डबल जीरो ही होगा, जी म्यू न्यू के 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम ये पहले डिसाइड कर चुके थे न्यूटोनियन लिमिट के अंदर, इसमें सिर्फ जी डबल जीरो वाला जो है वो सिग्निफिकेंट है।
याद है पूरा हमें क्षेत्रफल का फार्मूला लिखा था और हमने कहा था बाकी सारे आंसर जीरो हो रहे हैं, सिर्फ जी डबल जीरो वाला आंसर हमारे पास आ रहा है, तो जी डबल जीरो है ना वो इसके इक्वल होगा। अच्छा सर ये बताइए कि ये लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल ई टू है, ई टू है ठीक है, उस मेट्रिक में हम जी डबल जीरो लेते थे ना, डी एस स्क्वायर याद है क्या था, डी एस स्क्वायर था, ई टू है, सी स्क्वायर, ई टी स्क्वायर एंड सो ऑन, ये सब लिखे था। आपको पता है ये वाली लोकेशन कौन सी थी, जी जीरो जीरो की तो लोकेशन थी, जी जीरो जीरो यही तो रहते थे, तो इसका मतलब है कि जो जी डबल जीरो है ये एक्चुअली ई टू ए के इक्वल नहीं हो सकता, नहीं नहीं सी स्क्वायर तो वो नहीं लेते, वो एक्चुअली हमारे पास अब वो कोऑर्डिनेट का पार्ट है उसको नहीं लेते, जी डबल जीरो है ना ये ई टू ए भी लिखा ना सकते, और एक्चुअली ये जी डबल जीरो तो एक्चुअली इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है वन प्लस टू फाई अपॉन सी स्क्वायर, समझ आई कुछ बात, और ये जो फाई है जो भी हमने कैलकुलेट किया क्या था फाई माइनस सी एम बाय आर, अगर इस फाई को उठाकर यहाँ पुट कर दिया जाए तो ये जी डबल जीरो या ये ई टू ए जो है क्या बताएंगे क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये वन एक माइनस आ जाएगा टू आ जाएगा, फाइव की जगह पर आप रख रहे हैं जी एम बाय आर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, जरा बताइए सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी, यानी ई टू ए की अब सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बनी, ये बन गई वन माइनस टू जी एम ओवर आर सी, ये हाँ और ये ई टू ए इसके भी बराबर था, ई टू ए तो एक्चुअली इसके भी बराबर है वन माइनस आर एस अपॉन आर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये आर एस क्या होगा, टू जी एम बाय सी स्क्वायर, इसको तो कहते हैं शॉर्ट स्क्वायर, और हमारी फाइनल मैट्रिक क्या बनी, जानते हो क्या बनी फाइनल मैट्रिक, मैट्रिक की फॉर्म में लिख दो उसको, आज मैं तो पूरा फॉर्म नहीं लिखना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसको सिर्फ ये बता दूँ कि ये है, आज मैं ये वाले फॉर्म लिखाना चाह रहा हूँ, ये जीरो जीरो जी वन वन जी एक ही बात है, अच्छा तो ये तो ई टू ए हो गया, साथ साथ मुझे ये भी बता दो कि भाई ई टू बी क्या होगा, इसी तरह ई टू बी क्या होगा, क्या हो गई ये वाला पूरा फैक्टर जो है वो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, नहीं नहीं ये पूरा फैक्टर इस तरह है, पूरा फैक्टर इस तरह डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, तो अब हम बिल्कुल फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन देखते हैं, तो हमारा फाइनल मैट्रिक्स सॉल्यूशन तुम्हें याद है, इस प्रॉब्लम से पहले मैंने इस क्लास से पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट लिखवाई थी, हम क्या करें स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन मास है जो स्टैटिक है और हाँ स्टेशनरी है और वो एसिम्प्टोटिकली फ्लैट है, उस पर हम मालूम करें कि उसका आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो अब फाइनल सॉल्यूशन अब आप मुझे बताइए, सब मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि गलती हो रही है, आप ये चीज बताओ भाई डी एस स्क्वायर फाइनल आंसर क्या लिखोगे, लिखा था ई टू ए, ये ई टू ए किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल वन माइनस टू जी एम बाई आर सी स्क्वायर, यहाँ लिख क्या लिखने वाले हो सी स्क्वायर, फिर आपने माइनस कर दिया, फिर आपके पास ई टू बी था, ई टू बी क्या होगा आपके पास वन डिवाइडेड बाय चलिए ई टू बी, ई टू बी का आंसर जैसे जो कर वन माइनस टू जी एम बाय आर सी, और यहाँ क्या था आर 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 स्क्वायर डी डी आर आर डी आर था आर स्क्वायर नहीं था आर डी आर स्क्वायर, अच्छा जी थर्ड हमारे पास क्या होगा वो अधिक इसे हम शॉर्ट चार्ज स्पेस टाइप भी कहते हैं, तो तुम्हें वो याद है इसका एक हम बात कर रहे थे कि इसे एसिम्प्टोटिकली फ्लैट होना चाहिए, यानी आर अप्रोचेस टू जीरो पर, आर अप्रोचेस टू जीरो पर इसे हाँ कि ये फैक्टर वन हो जाना चाहिए, यहाँ वन आना चाहिए, तो ज़रा चेक कीजिए नज़र आ रहा है यहाँ पर, अगर मैं कहता हूँ आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
तो ये पूरा फैक्टर वन के इक्वल हो जाएगा, आर अप्रोचेज इन दिस फैक्टर वन के इक्वल हो जाएगा। तो पता है इन स्पेस टाइम में चेंज हो गया, तो इसे हम कहते हैं एस एम टोटिकली फ्लैट। उसकी प्रॉपर्टी इज कि ये एस एम टोटिकली फ्लैट भी होगा, एस एम टोटिकली फ्लैटनेस को अगर आप चेक करना चाहें तो आर अप्रोचेज टू इंफिनिटी के लिए ये जो 1 माइनस 2 जी एम बाय आर आर सी स्क्वायर वाली टर्म है जहां अप्रोच करेगी नजर आ रहा है इंफिनिटी बस सब इंफिनिटी 0 1 1 सिमिलरली ये वाला रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट बन के इक्वल आ जाएगा। तो मैं यहां पर ये भी प्रूव कर लिया कि ये मिनकोवस्कियन स्पेस टाइम है। ऑब्जेक्ट का इंटरेस्ट समझ लेना, क्या करें ये सपोज करो कि समझे कि इसके अंदर एक ये पूरा तुम्हारा स्पेस टाइम है, ये पूरा तुम्हारा यानी कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें इस तरह का ऐसे कर कर कर्वेचर आ रहा है। समझ आ रही है, मैं इस तरह थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज के इसका ट्रेस इसी तरह दिखेगा ना, कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा होगा अगर आप रिमूव करेंगे तो एक सर्कुलर शेप ही बनेगी ना, इस तरह ये सर्कुलर शेप बना और ये बेसिकली इसके ऐसे करके कर्वेचर को शेप। तो ये जो है ना ये जो रेडियस है ये स्मॉल आर हो जाएगा और ये आर ऑफ एस ये शॉर्ट सर्किट है। मतलब इसमें आर भी इंक्लूडेड है। ये अब फिर से छोटा वाला आर शॉर्ट सर्किट है। ये इसमें जो है ना ये जो रेडियस है ना ये एक्चुअली ये जो है ये तो बेसिकली वो डी आर एलिमेंट होगा, रेडियस का स्मॉल एलिमेंट। और ये जो रेडियस है ना ये जो रेडियस ये है एक्चुअली आर एस, ये सब शॉर्ट से रेडियस का है। और इसका जो फार्मूला है वो क्या है 2gm / अच्छा ये जो आर एस है ना ये आर के इक्वल हो सकता है, कब होगा ये जब हम कहें कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली वेक्टराइजिंग है। वो समझ आ रही बात, इवेंट होराइजन का इवेंट होराइजन समझो कि वो लिमिटिंग। अभी तो मैं सर अपना एक एग्जांपल लिखा, फॉर एग्जांपल ऐसे कर कर ये वाटरफॉल है ना और एक बंदा जो है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, वो जितनी भी फोर्स अप्लाई कर ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझते हैं वो टिपिंग पॉइंट है इसका, ये इवेंट होराइजन। जैसे ही वो इवेंट होराइजन क्रॉस करता है उसके बाद वो अपनी स्पीड को ऊपर नहीं जा सकता। हाँ वो इवेंट होराइजन समझे कि वो एक बाउंड्री एक रीजन है, ये इस रीजन से जो जो चीज़ है वो उस ब्लैक होल में चलेगी और लाइट भी स्किप नहीं हो सकती। सबसे अहम बात ये जो आप हम फिजिक्स में पढ़ते थे ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी ये बॉडी इतनी परफेक्टली ब्लैक है कि इसके अंदर से लाइट भी स्किप नहीं कर सकती। यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर इस ब्लैक होल से बाहर आना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो, तब तक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं जो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा काम करता हो। इनफैक्ट क्वांटम मैकेनिक्स में एक पार्टिकल है जो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा काम करता है, लेकिन चूंकि वो क्वांटम मैकेनिक्स है फिलहाल तो हमें नहीं पता
वाला जो रेडियस है ये शॉर्ट से रही, यानी ये वाला जो पार्ट है ये जो जगह है इससे क्या कहेंगे इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन यार देखना लिमिट है, जैसे ही इवेंट होराइजन क्रॉस आउट करेंगे तो कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल कंटेक्ट नहीं करेगा। तो ये मुझे नहीं पता तुम इस स्पेस टाइम को किस तरह मेजर करो या तुम्हें समझ आ रही है नहीं आ रही। और ये फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑब्जेक्ट इस तरह यहाँ पर प्लेस किया गया और इसे एक ऐसा स्पेस टाइम और ऐसा इसका कर्वेचर फॉर्म। तो अब ये जो शॉर्ट्स का रेडियस है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का निकाला जा सकता है, तो जी एम बाई सी स्क्वायर। तो मैं हो सकता है आपसे पूछ लूँ कि सन का रेडियस क्या होगा, सन के लिए आप कैलकुलेट कीजिएगा, अर्थ के लिए आप कैलकुलेट। इनफैक्ट ना आप भी कैलकुलेट करें तो बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा। क्या करना होगा इसमें, सन का मास अर्थ का मास यहाँ पर पुट करना होगा, सब डिवाइड करना होगा, एक आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा। बहुत सारी थ्योरीज हैं ब्लैक होल से रिलेटेड। एक थ्योरी ये भी कि क्या हम ब्लैक होल्स में रहते हैं, और सेकंड ये कि जो आपने पीएचडी यूनिवर्सेस का नाम सुना होगा, इनफैक्ट उसकी एक बुक भी है ना हॉकिंग। अच्छा एक और बात, शायद तुमने हॉकिंग रेडिएशन का सुना होगा, हॉकिंग रेडिएशन। हॉकिंग रेडिएशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल ये जो इवेंट होराइजन है ना वहाँ पर एक्चुअली ये है ना, जैसे हम ऑब्जर्व करें कि कोई ना मेट्रॉइड जो है वो ज़मीन की तरफ आ रहा है, तो क्या होगा कि जब वो आएगा तो दो चीज़ें होंगी, एक तो उसकी जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेडिएशन भी इमिट होती रहेगी, रिजिस्ट करता है ना उसकी रेडिएशन भी इमिट होती रहेगी, रेडिएशन बहुत ज़्यादा स्पीड जैसे जैसे बढ़ती रहेगी। ऑब्जेक्ट है जैसे जैसे जितनी स्पीड इंक्रीज होती रहेगी उतनी जैसे इन्वायरमेंट के साथ साथ रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो ये बात समझ आती है कि जितनी स्पीड तेज करते जाओगे उतनी एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चूंकि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा, हाँ हाँ मास भी उतनी तेजी से रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन समझ आती है कि स्पीड के साथ साथ इसका एक रिलेशन है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल्स के अंदर मूव करते हैं तो समझो कितनी ज़्यादा हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे जैसे मास रिड्यूस होता रहेगा तो ऑब्वियसली उस ऑब्जेक्ट की हाफ लाइफ भी रेडिएशन की बात कर रहे हो, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो तो उनमें तो एक प्रॉपर्टी होती है कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो उसमें 92 की बात आएगी, लेट लेट 92 होता है ना, हाँ इसका मतलब है 92 के बाद जितने एलिमेंट्स हैं 107 तक है, 92 के बाद जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उनमें तो खसूसियत ये होती है कि वो ऑटोमेटिकली अपने अपने से रेज को एमिट करते हैं और वो फिर पेरेंट्स और डॉटर न्यूक्लाई बनते रहते हैं और मास उसका रिड्यूस होता रहता है, देन वो हाफ लाइफ और उसका। यहाँ पर बात थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ जो E is equal to MC square है वो एक्चुअली इस तरह थोड़ा सा विजुअलाइज हो सकता है कि अगर कोई मेट्रॉइड आपकी तरफ आ रहा हो तो जैसे जैसे अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी में आएगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और उसका इन्वायरमेंट के साथ रिएक्शन पड़ जाएगा और वो ट्रैक जो है वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन को इमिट कर रहा होगा। सेम इसी तरीके से ना यहाँ पर ये जो इवेंट होराइजन है ना, यानी कौन सी चीज़ हॉकिंग जो यहाँ ना एक्चुअली रेडिएशन से ना रेडिएशन, जैसे सन का एक कोरोना होता है इसमें जो रेडिएशन, तो इस तरह इस इवेंट होराइजन का भी ब्लैक होल्स की जो बाउंड्री है ना उसके ऊपर भी डिफरेंट रेडिएशन है जो चीज़ों को अपने अंदर अपने अंदर अट्रैक्ट करती है, जैसे कि उसको हम कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। जब तुम इंटरनेट के ऊपर हॉकिंग रेडिएशन को सर्च करोगे ना तो पता लग जाएगा कि ये क्या होती है। तो ये वो रेडिएशन होती हैं जो चीज़ों को क्वांटम भी अपने अंदर अट्रैक्ट कर रही होती हैं और चीज़ें ब्लैक होल्स के अंदर। ग्रेविटी को कहते हैं कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम, इतना यूज करते हैं। जो आप बात कर रही हैं ये इस तरह की चीज़ है, एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल। ये ब्लैक होल क्या हो सकता है अगर आप उसको एज ए फिक्शन देखें तो हो सकता है कोई एक किसी दूसरे
कोई रास्ता हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसी तरह एक चीज़ हो जैसे कहते हैं वार्म होल्स, है वार्म होल्स, ऑफिस से पता होगा वार्म होल्स की चल हमने पार्शियली ये चीज़ें डिस्कस की। वार्म होल्स क्या होते हैं उसमें, कि वो समझे कि कोई आपके पास स्पेस टाइम है और हम चाहते हैं कि जैसे ये स्पेस टाइम ऐसे कर देना, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना चाहता हूँ, एक लोकेशन तो ये है कि या तो वो लाइट ईयर से ट्रैवल करते करते यहाँ पर पहुँच गए, और दूसरा ये कि इसके दरमियान में कोई इस तरह का ऐसा मैटर रखा गया जो उसकी स्पेस टाइम में होल्ड कर एक बिल्डिंग एक स्पेस एक जगह बना दें जहाँ पर आप शॉर्टकट मूव कर सकें, तो उस तरह की चीज़ों को कहते हैं वॉर्म होल्स। जो जिसके मुतालिक भी ये थ्योरी है कि किसी और यूनिवर्स या पैरेलल यूनिवर्स में एंट्रेंस के लिए एक बात हो सकता है, लेकिन फिर क्वांटम इसको बहुत डिफरेंट तरीके से देता है। इसमें इंटर्न होने के लिए एक स्पेसिफिक मैटर की ज़रूरत है, फिर उसका यूनिक डायरेक्शन होना चाहिए, ब्लैक होल्स में भी कुछ ऐसा ही है कि इंसान की बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो ब्रेक हो जाएगी, वो यूनिक डायरेक्शनल बन सकती है, उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएंगी, यानी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो अहम बात यह है कि क्या तुम्हें ये शॉर्ट सेल समझ आया, और इस तरह का जो ब्लैक होल्स है हम शॉर्ट सेल ब्लैक होल्स कहते हैं, और ये है इसका जो है वो एक बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है जिससे आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। तो आप सन और इसके लिए वो डिस्टेंसेस मालूम कर सकते हो, वो डिस्टेंसेस मालूम कर सकते हो, या अगर उस सन के मास को उस डिस्टेंसेस से कम कर दिया जाए तो वो जो है वो ब्लैक होल बन जाएगा। तो ये शॉर्ट सेल रेडियस तरह से ही काम करते हैं, ये उसी तरह का काम है जैसे चंद्र शेखर लिमिट मैंने तुम्हें बताई है 1.3 सन है, 1.3 सन का सिंबल ये वाला होता है जिसे ना ट्रू सन कहते हैं, सन का सिंबल ऐसा होता है। बाकी कई भी बुक देखो इस तरह लिखा होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका जो मास है वो 1.3 सन से ज़्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली इस तरह एक्सपेंड होगा, और फिर वो जो है वो वाइट ड्रॉफ और न्यूट्रॉन स्टार इस तरह की चीज़ें होंगी, और जिसका मास 1.3 सन से कम होगा वो हमारा हमारे सन के साथ क्या होने वाला है, हमारे सन के साथ क्या होगा, यानी ये क्या रेड जाइंट होगा। रेड जाइंट जानते हैं कैसे होता होगा कि फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर बर्निंग प्रोसेस ख़त्म हो जाए, बर्निंग प्रोसेस ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, तो बर्निंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो जो सेंटर है उसकी अपनी एक ग्रेविटी होती है, सेंटर की अपनी एक ग्रेविटी होगी ना, सेंटर की बहुत हैवी एलिमेंट्स होते हैं सेंटर में, उनका एक अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किनारे के मास है ना वो उसको अपने अंदर अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, और डेंसिटी बढ़ती जाएगी, साइज कम 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 होता जाएगा इंधन को, और जो वाइट ड्रॉफ वाली जो चीज़ें हैं वो कैसे होती हैं, मास और उसमें गेन करते हैं, बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, वो बहुत बड़ा रेड जाइंट हो जाएगा, और फिर वो वो हम किसी भी ये आर एस से निकाल सकते हैं ना, एक्चुअली इससे मालूम कर सकते हैं। अगर आप ये कहें कि एक डिस्टेंस निकाल लें और आप कहें कि हम इसको इस डिस्टेंस से और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर दें तो हम इसके मुताबिक फैसला कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है यार, अभी तक बात यह है कि किसी भी एक स्टार को एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर कम्प्लीटली ऑब्जर्व नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें जो स्टार्स में ब्राइट दिख रहे हैं ये पॉसिबल है कि वो वहाँ पर होंगे ना, वो वहाँ पर वो पहले से खत्म हो चुके हैं ना, इस तरह की चीज़ें कैसी, सॉरी कुछ बताओ, ये एक्चुअली हमारे पास इसी तरह के मैथमेटिकल थ्रेशोल्ड हैं जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं, और इनफैक्ट ऐसा होता भी है। तो ये थ्रेशोल्ड तो स्टैटिस्टिकल डेटा से बना है, बिल्कुल सर, आज तक जो ऑब्जर्व है उसकी बेसिस पे हो, चंद्रशेखर तो आ जाए, हां ऑब्वियस है, होंगी भी ऑब्वियस है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप बोला 1960 का है तो चंद्रशेखर का आप पढ़ें, उसने मैंने इवन के जो ब्लैक होल्स की मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा उसकी बुक का नाम है, क्योंकि ना उसने क्या ज़बरदस्त मैथ की है, आपको पता है इंडियन की मैथमेटिक्स बहुत बेहतरीन होती है आप, हाँ वो बड़े बड़े जो उनके जो वैटिक मैथ जो अगर आप देखेंगे ना इंटरनेट वो वेदास से निकली सारी ना, उसमें छोटे शॉर्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स, तो उसी में मैंने देखी एक चंद्रशेखर की बुक है, डाउनलोड भी करना बोलिए, वो बुक है द मैथमेटिक्स ऑफ अ ब्लैक होल, जब उसने बताया इतनी कि मुझे भी समझ में नहीं आई, वो बहुत बहुत डिटेल में बताई चीज़ों को, और बहुत चंद्रशेखर का काम इस मामले में बहुत है। इसके अलावा यार इंडियन ने और बहुत काम किया हुआ है, एक और है जिनका जिनको यार पता नहीं समथिंग निगलेक्टेड है, कुछ दिनों पहले उनकी नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर
क्वेश्चंस, वो भी आ रही थी डॉक्यूमेंट्री, उनका डेथ हुई है 1996 में, अभी की बात है ना, वो है राय चौधरी। तो ये राय चौधरी इक्वेशंस, ये आइंस्टाइन, यानी ये पार्ट है एक्चुअली, अगर आपने कॉस्मोलॉजी पढ़नी है तो कॉस्मोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, जैसे अगर कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट निकाल लोगे तो फ्रीडमैन इक्वेशन मिल जाएगी, इस तरह राय चौधरी का भी नाम राय चौधरी इक्वेशन पड़ जाती है। बड़े ग्रेट साइंटिस्ट है, 1996 में उसकी डेथ हुई, और बल्कि अभी कुछ दिनों पहले नेशनल ज्योग्राफी पर इसकी पूरी बायोग्राफी भी आ रही है, तो आप उसको उनको लिखिएगा, पढ़िए। ठीक है, तो शॉर्ट सेल समझ आया, तो फील्ड इक्वेशन पढ़ लिए, वो नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं, और हमने कोशिश ये की है कि हर एक पॉइंट को क्लियर करें। यार देखो बाकी चीज़ें हमें पता है कैसे पता लगी स्टडी से, जब आप इंटरनेट और स्टडी करेंगे ना तो आपको चीज़ें पता लगी, हो सकता है मैं उसमें कोई पॉइंट मिस भी कर चुका हूँ, लेकिन इसकी कंप्लीट मैथमेटिक्स क्या हो सकती है वो हमने इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस कर लिया, थोड़ा उसको स्टडी करो। हाँ असाइनमेंट अभी नहीं देना मुझे, अपने पास ही रखना।